मम्मी जी, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दावत तुम्हारे लिए रखी गई है और हम तुमसे ही काम करवाएं? बिल्कुल भी नहीं, तुम जाओ आराम करो। निकी, मम्मी सही कह रही है, हम सब संभाल लेंगे। चलो। नहीं नहीं, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। क्या सही नहीं लग रहा तुम्हें? कि आप लोग काम कर रहे हो और मैं बस आराम फरमाऊ। क्योंकि तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम कोई आम या साधारण लड़की नहीं हो निकी, तुम सुपर वुमन हो। तुमने हमारे बेटे पीयूष की जान बचाई और हमारी मुश्किलें आसान कर दी। थैंक यू मम्मा कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन पीयूष के लिए मौत से लड़ना मेरी ड्यूटी थी और मेरी फैमिली को मुश्किलों से बचाना मेरा फर्ज, तो मैंने बस वही निभाया। मैंने इतना कुछ बड़ा नहीं किया जितना आप लोगों को लग रहा है। हम निकी से जरा भी प्यार नहीं करते, उसका होना ना होना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या कहा है, और निकी अगर तुम ये जान जाओगी कि हमने तुम्हारे लिए क्या कहा है, कि तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे पीछे हमने क्या क्या किया है, तो शायद तुम हमें इतना प्यार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नफरत करती। नहीं मम्मा, आप तब की बात कर रही हो जब मैं इस महल में बहू बनकर आई थी। तभी आपने मुझे डांटा, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और हाथ भी उठाया। और शायद जब मैं डाकताल गई तभी प्रतीक भैया और पापा जी ने मुझे पीठ पीछे कोसा होगा, और जब पीयूष की धड़कन रुक गई थी शायद तभी भी आप लोगों ने मुझे दोषी ठहराया होगा। लेकिन तब की बात अलग थी और आज की बात अलग है। मैं बस आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ, और आप मेरी मम्मी हो, मेरी प्यारी मम्मी। तो आप मुझे डांट सकती हो, कोस सकती हो, कुछ भी। यू हैव ऑल द राइट। आई एम सॉरी बेटा। नहीं, नो सॉरी एंड नो थैंक यू। आज से मैं आपकी बेटी और आप मेरी मम्मा, और अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं, आज से हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो, प्यारी बेटी।